You're most welcome in my next class, which devoted to standard 5th and 6th. 5th and 6th for both students of standard 5th and 6th, in which latitude, longitudes and globes are the important features, the important matters, which are very, very necessary. Latitudes and longitudes. What is the definition of latitude? The definition of latitudes is that imaginary lines which are parallel to equator and measure north or south are called latitude. So means, suppose this is the line which are parallel to equator, these lines also parallel to equator, means all of these lines which are parallel to equator and measure north. Because it lies in northern hemisphere. It is northern hemisphere, it is equator. ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. तो दिस लाइन व्हिच इज आल्सो पैरेलल टू इक्वेटर एंड मेजर साउथ, तो इन दिस वे ऑल ऑफ दीज लाइंस which are parallel to equator. इसके वैल्यू, इक्वेटर की वैल्यू 0 degree है. इस इक्वेटर से ये सारा लाइन पैरेलल है. इस इक्वेटर से ये सारा लाइंस पैरेलल है. तो ये लाइंस को हम लैटिट्यूड कहेंगे. क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल है, इक्वेटर के पैरेलल है, और ये नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ मेजर करती है और ये साउथ मेजर करती है. सपोज ये पूरा अर्थ है, तो ये इक्वेटर जो हुआ आधा है, और इक्वेटर से ऊपर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ, इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर हुआ. तो ये लाइन जो इमेजिनरी लाइन्स है, इक्वेटर से पैरेलल है, और ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ भी मेजर करती है या साउथ मेजर करती है, तो इस लाइन को लैटिट्यूड्स कहते हैं. इसकी टोटल संख्या जो है वो 90 है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 है सदर्न हेमिस्फीयर में. तो ये 0 है, तो ये हो गया 15 नॉर्थ, 30, 45, 60, 75 एंड ये 90 डिग्री को नॉर्थ पोल भी कहते हैं. और उसी तरह ये 15 डिग्री एस, ये साउथ मेजर करती है, ये एस है, 30, 45 और ये 60 और ये 75 डिग्री एस, 15 एस, 30 डिग्री एस, 45 डिग्री एस, 60 डिग्री एस, 75 डिग्री एस, और ये जो 90 डिग्री एस जो होगा वो साउथ पोल कहलाएगा. इसी को साउथ पोल भी कहते हैं. ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है. तो ये टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स जो है वो कितने हैं? 90 हैं, और 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 सदर्न हेमिस्फीयर में, इस हेमिस्फीयर में. तो टोटल लैटिट्यूड हो गया 180. टोटल लैटिट्यूड 180. इसके बाद है लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड्स एक इमेजिनरी लाइन्स होता है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करता है. तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली ये लाइन है. हो गया. तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है
और इसी तरह से ये लाइन भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है और ये मेजर करती है ईस्ट। उसी तरह से ये भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है और मेजर करती है वेस्ट। इसी तरह से सारा लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये 30 टोटल जो ये इस ये जो लाइन है बीच का जो 0 डिग्री लाइन है इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं या इसी को ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। ये प्राइम मेरिडियन हुआ, प्राइम मेरिडियन 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ कनेक्ट करती है और इसके ईस्ट में ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हुआ तो ईस्ट में जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये सारा लाइन ईस्ट में ड्रॉ होगा। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये ईस्ट मेजर कर रहा है, नॉर्थ साउथ कनेक्ट कर रहा है, ये इधर का जो लाइन होगा ये जो लाइन है ये लाइन नॉर्थ साउथ कनेक्ट भी कर रहा है, वेस्ट मेजर कर रहा है, ये लाइन नॉर्थ साउथ कनेक्ट कर रहा है और ईस्ट मेजर कर रहा है, तो इसलिए ये इस लाइन को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। टोटल लॉन्गिट्यूड 360 है, 190 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और 190 वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 361 और ये सब मिल करके एक ग्लोब को फॉर्म करता है। ग्लोब जो कि स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ होता है, अर्थ का स्मॉल मॉडल होता है इसीलिए इसको ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब जो है ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से मिलकर बना है। ग्लोब के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के की मदद से हम किसी भी एरियाज के टाइम को मेजर कर सकते हैं और किसी भी एरियाज का एक्चुअल लोकेशन क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है ये हम पता लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। थैंक यू वेरी मच।